तो सीएम भूपेश बघेल के प्रदेश के दौरे का तीसरा दिन आज है। सीएम आज सूरजपुर जिले का दौरा करेंगे, गांव का निरीक्षण भी करेंगे, योजनाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। दो दिन सूरजपुर में ही रहेंगे सीएम बघेल। तो सूरजपुर दौरे पर आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। आज तीसरा दिन है उनके दौरे का। गाँव का निरीक्षण किया जाएगा और ग्रामीणों को योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं इसका भी वो जानकारी लेंगे, इसकी भी जानकारी लेंगे, साथ ही जायजा करेंगे। योजनाओं की अधिकारियों के साथ यहां पर समीक्षा की जाएगी। योजना सही तरीके से यहां पर मिल पा रही है उसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, आज मुख्यमंत्री के दौरे का तीसरा दिन, काफ़ी अहम ये दौरा उनका लग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयों पर कार्रवाई भी हो रही है जिनमें लापरवाही देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले पर ही रहने वाले हैं। और सूरजपुर जिले में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी भी गांव में जा सकते हैं और वहां पर जो है अपने हेलीकॉप्टर को उतार कर सीधे ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसकी जमीनी हकीकत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त टटोलने की जो है कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों भी देखने को मिला था कि सीधे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग गांवों में अलग अलग ग्राम पंचायतों में उतरकर सीधा जो है वहां के ग्रामीणों से बातचीत की और खामी पाए जाने पर सीधा जो है अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई भी की है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ये साफ संदेश इस वक्त नजर आ रहा है कि राज्य सरकार की जो जनहित कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है उन योजनाओं का सही तरीके से पालन जो है जमीनी स्तर पर किया जाए और न करने वाले अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीते दिनों साफ कर दिया और इसी के चलते अब ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई विभागीय मंत्री जो उनके कैबिनेट के हैं वे भी अब जो है अलग अलग जिलों के दौरे पर निकल गए हैं, अपने प्रभार जिले के दौरे पर निकल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा और रविंद्र चौबे भी जो है वो इस वक्त जो है लगातार दौरा कर रहे हैं। तो इससे साफ समझ आ रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर के कितना ज़्यादा संवेदनशील उनके मंत्री हैं और अधिकारी भी नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, संवेदनशील तो यहाँ पर है ही, लेकिन शिवम चूंकि हम ये भी देख रहे हैं कि कार्रवाइयों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब कह सकते हैं कि जिन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाया था, प्रदेशवासियों तक नहीं पहुँच पाया था, वो अब शायद मिलना शुरू होगा। जिसमें बीच में किसी की भी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली, संलिप्तता देखने को मिली लापरवाही के तौर पर, उस पर गाज अब गिरनी निश्चित तौर पर है। बिल्कुल देखिए अंजलि, निश्चित रूप से जिस तरीके से देखने को मिला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बीते दिनों सीएमओ को जो है सस्पेंड कर दिए, उसके बाद कल ई को सस्पेंड कर दिए, तो निश्चित ही एक बड़ा संदेश जो है ये अधिकारियों के बीच भी जा रहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का सही ढंग से लाभ जो है अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच जाए, वरना जो है अधिकारियों पर सीधी गाज गिरेगी। और इसी का नतीजा है कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से भी पहले संभावित जिलों में, संभावित नगर पंचायतों में जो है कलेक्टर और जो है प्रभारी सचिव जो है वो सीधे बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के यहां पर भी दौरा जो है वो रहने वाला होता है मुख्यमंत्री का। बहुत शुक्रिया आपका शिवम जानकारी साझा करने के लिए और आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं।